ये बड़े रिच वर्क किस रहते हैं जी। थले जाओ पार्टी थले भेज एक तो फ्लाइंग स्क्वाड ला आगे जान दो आगे जान दो नाल जोड़ो यार अलग तो से कर दो तो कर लो बटन दो फोर कार्ड के लिए कर दो थोड़े कमेंट थोड़े बच्चे अपने को रख बताएंगे कि तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हो गया जहां पे आपके कस्बा सेक्टर शाहपुर किरनी मंदार में, तो बताएंगे कि इस आदमी का नाम क्या और कितनी इनको लगी है। देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा मशहूर हूँ, हर वक्त आप मौका पर जाते हैं और इस लिंग में भी आप घूमेंगे। आपने मौका के हालात देखी, ये जमालुद्दीन सनम मिठू है मेरी पंचायत के, वहाँ पे मैं सरपंच हूँ मेरी पंचायत के, कस्बा के रहने वाले, कस्बा मल्लापावा सखी वाला, ये बॉर्डर के पास बैठता है। मगर आज तकरीबन 3 बजे के बाद की बात है, तकरीबन 3 बजे के लेकर 7 बजे तक इतनी शिलिंग हुई है जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे सिर मकान पता नहीं किस वजह से बचे, अभी भी हमें लग रहा है कि पता नहीं हमारे जो लोग पीछे बचे हुए हैं उनकी क्या हालात होगी। और ये बहुत बड़ा नाहित गरीब आदमी है। देखो हमने जनाब सेंट्रल सरकार से हम ये बात मरकज से करते हैं कि हालात इस किस्म की बनानी चाहिए कि जब भी मरता है फायरिंग से गरीब मरता है, चाहे वो पार का गरीब हो चाहे वो रार का गरीब हो। और गरीब लोगों के लिए सिर्फ फायरिंग की वजह से हमारे को बंकरों की ज़रूरत है। हमारी पंचायत में बंकर नहीं दिए गए, कुछ बंकर दिए गए। हमारी DC साहब से भी रिक्वेस्ट हुई थी पिछली बार कि आप अनेस्ट आदमी हैं, आप हमारी मदद करो, हमें अच्छे बंकर दो कि जिस वजह से लोगों की मुश्किलात आसान हो। खासकर मेरी जो बॉर्डरपुर पंचायत है उसमें नायती जो बंदा गरीब है, और इसकी मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी किसी किस्म की सपोर्ट करें, माली इसके साथ मदद करें। इंशाल्लाह ये फायरिंग के लिए रार पार बात करनी चाहिए जिससे फायरिंग बंद हो, लोगों गरीबों का नुकसान होता है। तो इस वक्त तक भी क्या फायरिंग चलती है, कोई पता है आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्या पता? जी जी बिल्कुल, हमें इस टाइम तक कोई इलम नहीं। एक बंदा जैसे हमारा जख्मी हुआ, खासकर यहाँ पे हमारा एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच गई और उसकी वजह से हम लेके हॉस्पिटल पहुँच गए, तो अभी भी फायरिंग हमारे इलाके में बहुत बड़ी चलेंगे।